लगातार 5 हार के बाद जीती किंग्स इलेवन पंजाब। सीजन में दूसरी बार आरसीबी को हराया, पॉइंट टेबल में अब भी सबसे नीचे। आईपीएल के 13वें सीजन के 31वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। पंजाब लगातार 5 हार के बाद मैच जीती है। टीम 8 में से 2 मैच जीतकर अब पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। पंजाब ने दोनों मैच आरसीबी के खिलाफ ही जीते हैं। पिछले मुकाबले में पंजाब ने बेंगलुरु को 97 रन से हराया था। यह इस सीजन में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। शारजहां में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए शारजहां में सीजन का सबसे छोटा 172 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में पंजाब ने 2 विकेट गंवाकर 177 रन बनाए और मैच अपने नाम कर लिया। इससे पहले शारजहां में सीजन के 23वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 185 रन का टारगेट दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत शानदार रही। टीम के लिए कप्तान लोकेश राहुल 61, क्रिस गेल 53 और मयंक अग्रवाल 45 रन की पारी खेली। गेल का सीजन में यह पहला मैच रहा। अकेला विकेट बेंगलुरु के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने लिया। उन्होंने मयंक को बोल्ड किया। चहल ने टी20 में मयंक को चौथी बार पवेलियन भेजा। मयंक और राहुल के बीच 48 बॉल पर 78 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। आरसीबी ने 6 विकेट गंवाकर 171 रन बनाए। ओपनर देवदत्त और आरोन फिच ने टीम को तेज शुरुआत दी, लेकिन मध्य क्रम के बल्लेबाज इस बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके। आरसीबी ने इस सीजन में 172 रन का शारजहां में सबसे छोटा टारगेट दिया। इससे अपने 23वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 185 रन का टारगेट दिया था। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने 39 बॉल पर सबसे ज़्यादा 48 रन की पारी खेली। इनके अलावा क्रिस मॉरिस ने 25 और शिवम दुबे ने 23 रन बनाए। पंजाब के लिए मोहम्मद शामी और मारुगन अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। विराट का यह आरसीबी के लिए 200वां मैच है। उन्होंने टीम के लिए आईपीएल में 185 और चैंपियंस लीग में लिए 15 टी20 खेले हैं। कोहली ने आईपीएल में 185 मैच में सबसे ज़्यादा 5,716 रन बनाए हैं। मोहम्मद शामी ने एक ओवर में 2 विकेट लिए। उन्होंने डिविलियर्स को दीपक हुड्डा और कोहली को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट कराया। आईपीएल में 8वीं बार कोहली डिविलियर्स एक ओवर में आउट हुए हैं। सबसे पहले इन दोनों को 2012 में जैक कैलिस ने एक साथ पवेलियन भेजा था। डिविलियर्स ने आईपीएल में सिर्फ 4 बार 6वें नंबर या इससे नीचे बल्लेबाजी की है। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 33 रन का रहा है। 2012 में बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए डिविलियर्स ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 33 रन बनाए थे। चारों मैच में उन्होंने 51 रन बनाए थे। पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने टीम में 3 बदलाव किए हैं। मनदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह और मुजीबुर रहमान को बाहर किया है। उनकी जगह क्रिस गेल, अश्विन और दीपक हुड्डा को मौका दिया है। गेल का इस सीजन का यह पहला मैच है। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। पंजाब के प्लेइंग 11 में विदेशी प्लेयर क्रिस गेल, निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल और क्रिस जॉर्डन को शामिल किया है। वहीं बेंगलुरु टीम में आरोन फिच, एवी डिविलियर्स, क्रिस मॉरिस और उड़ाना को मौका दिया गया है। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।